मैं मर जाऊं। अच्छा तो प्लीज अपना ध्यान रखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खत्री ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सेफ होंगे। आज है ट्यूसडे और गोलू की आज छुट्टी। हम सब उठ गए हैं आज सुबह सुबह और मैं तो सुबह जल्दी ही उठ गई थी आज। तो आज सुबह सुबह उठ गई थी क्योंकि आज मुझे जाना है, मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है और वो क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। मुझे आज करवाने जाना है HSG टेस्ट, क्योंकि ट्यूब्स को चेक करने के लिए, फिलोपियन ट्यूब्स को चेक करने के लिए होता है। तो मैं ये टेस्ट क्यों करवा रही हूँ, क्यों जरूरत पड़ी इस टेस्ट को करवाने की, वो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर। और ये क्या टेस्ट होता है, इस क्या प्रोसीजर होता है उस पर भी मैं, इसके बाद जो आएगा वो एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अभी फटाफट रेडी हो जाते हैं। मुझे एक्चुअल में डॉक्टर ने बोला है 4 to 5 hours की फास्टिंग, कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है। हालांकि मैंने टेंशन में सुबह चाय पी ली है तो मैंने चाय पी ली है वैसे, बट अभी डॉक्टर कंफर्म करेगा। अभी मेरी 11 बजे की अपॉइंटमेंट, तो अभी जल्दी चलते हैं क्योंकि अभी हो गए हैं 9 बज गए अभी। तो फटाफट थोड़ा सा इनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मुझे तो कुछ खाना ना तो खाना है ना पीना है, पानी भी नहीं पीना है। तो अभी ब्रेकफास्ट में देखती हूँ, वैसे ब्रेकफास्ट आज यही बनाएंगे अपना। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गोलू को भी रेडी कर लेते हैं। मैं हो गई हूँ रेडी और ये दोनों भी हो गए हैं रेडी। ये खा रहे हैं अभी बन और मेरे सामने खा रहे हैं, जबकि इनको ये पता है कि मैं खा नहीं सकती, छुप के खाना चाहिए इनको। नहीं तो अभी हम हो गए रेडी और अभी चलते हैं फटाफट। देखो भी दीवी जाएंगे हमारे साथ में, देखो भी कुछ टेस्ट करवाने हैं। मैंने पहना नॉर्मल टॉप और जीन्स क्योंकि कंफर्टेबल कपड़ों में जाना था। तो चलते हैं, चलिए फटाफट। मैचिंग पहना है ब्लू आज लास्ट बार हमने मैचिंग पहना ना, फिर लास्ट बार क्यों पहना है फिर हम क्यों खर्चा ना कराओ यार। हम निकल गए घर से और दिखाती हूँ मौसम जो है वो अच्छा ही हो रखा है, क्लाउडी हो रखे है। दीदी ऑलरेडी पहले ही आ रखे हैं। हेलो दीदी। हाय। ओ मम्मा। हाय संजू। देखो मैंने कैमरे की सेटिंग चेंज करने के बाद है ना, स्मार्ट लग रहे हैं। देखो हम चाहे कितना ही कुछ करवा ले, कितना ही कुछ वो कर ले, स्मार्ट हमें तो बोलना नहीं है दीदी। फोन बेटा वो हो गया है, मतलब हम कैसे लग रहे हैं? यार एक बार जरा मैप लगाएं, जरा पता है कि कितना। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं फटाफट। तो अभी आपको दिखाती हूँ, मैं स्कूल जब ज्वाइन कर रखा था, मैं टीचिंग करती थी, वो स्कूल दिखाती हूँ आपको अभी, देखना। तो ये आ गया मेरा स्कूल, मैं पढ़ाती थी पहले इस वाले स्कूल में, मदर्स प्राइड में। याद आ गया मुझे अपने स्कूल की, मैं इसमें टीचिंग करती थी और गोलू भी यहाँ पे जाती थी प्ले स्कूल में। हम पहुंच गए हॉस्पिटल। ना नहीं कुछ नहीं है, तो भाई फटी पड़ी है ना, मुझे भी देना पानी, मेरे को भी देना। तो यहाँ पे हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल और ये जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह थी वो करवा रहे थे। देन उसके बाद दी का हुआ टेस्ट, उसके बाद मेरा होगा टेस्ट। हम कर रहे हैं वेट अभी, इनको हुआ अभी ब्लड टेस्ट, जितना खून था सारा निकाल लिया। और ये मेरे से लड़ रहे हैं HSG के टेस्ट करवाने के टाइम। मैं तो मेरे पास फिटनेस है प्रीति थी बताना, ये है ये गवाह प्रीति थी, लड़े नहीं क्यों लड़ रहे हो बताओ? एक तो बंदा वैसे टेंशन में, ओके सॉरी कैमरे पे बोल दिया ना, घंटा आप सॉरी बोलते हैं। एक सत मच्छर कट गया, डेंगू का मच्छर तो नहीं था वही कह रहे हो। देन उसके बाद मेरे को लेके थे टेस्ट के लिए और देन टेस्ट वेस्ट करवाने के बाद जब मेरे को रूम में शिफ्ट करा तो ये वहाँ की वीडियो है। और गोलू मेरे को पेन हो रहा था तो मेरे मैं रो रही थी, तो गोलू मेरे को देख के रो रही थी और मुझे अभी भी देख के ऐसा रोना आ रहा है कि बच्चे कितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं।
मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उसके सामने जो है वो स्ट्रांग बनूं, बट पेन इतना हो रहा था। एक्चुअल में उस टाइम तो एनेस्थीशिया दिया था, उस टाइम नहीं पता चल रहा था, बट बाद में मेरे को जो है वो पेन ज़्यादा ही हो रहा था। तो इस वजह से मेरे को, और वैसे भी मैं डर जाती हूँ किसी भी चीज़ से, मेरा अगर इंजेक्शन भी लगता है तो भी मैं डर जाती हूँ। यहाँ तो मेरा इतना बड़ा जो है टेस्ट करवाया, और ये टेस्ट मैंने पहली बार नहीं करवाया, ये मेरा थर्ड टाइम था जब मैंने HSG का टेस्ट करवाया था। तो जब आपको पता होता है पहले से कि आपको क्या क्या मतलब दर्द होएगा, क्या होएगा, तो ज़्यादा डर लगता है बंदे को उससे ज़्यादा। तो ये वही मेरे को समझा रहे हैं यहाँ पे कि अब तो टेस्ट हो गया है। और उसके बाद देन हम आ गए थे घर। घर आने के बाद की ये वीडियो है। जी बनाएंगे खाना आज। मैं शेफ प्रीति आज बनाएगी दाल चावल, बहुत टेस्टी टेस्टी, जिसको भी खाना है आ जाए। मैं तो कम ही डालती हूँ। अभी बज गए हैं शाम के 6, मतलब शाम के 6 बज गए हैं और हम उठ गए हैं। अभी थोड़ी सी देर तबीयत जो है मुझे ठीक लग रही है, तो अभी मैंने सोचा, बहुत देर हो गई, सुबह से ही मैं लेटी हुई थी, लंच वंच करके हम सो गए थे, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय बना दूँ। तो अभी मैं चाय चढ़ा देती हूँ और दिखाती हूँ वो सब क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई थी, तो मैं उठ के थोड़ा सा काम, वैसे तो मैंने कुछ नहीं करा, बस चाय ही बनाई थी, क्योंकि इतने सुबह से शाम तक लेटे लेटे भी मैं परेशान हो गई थी। हम लेडीज़ लेट भी नहीं सकते, और ये मेरे पीछे पीछे आके देख रहे थे कि क्या कर रहे हो। मैंने चढ़ाई चाय, और जो है गैस जो है ख़त्म हो गई है, सिलेंडर हमारा तो बंद हो गया है। तो इस गोलू के पापा भी आए थे तो लेने गए हैं सिलेंडर। सिलेंडर लग गया है, गैस भी हो गई चालू, और यहाँ कर रही हूँ मैं गोलू के लिए राइस गरम। गोलू को देती हूँ गोलू के राइस। और आज रूम क्यों रखे कुछ ऐसी हालत, दीदी आ रहे हैं सो। गुड मॉर्निंग, उठना अभी हा? तो आज रूम की कुछ हालत हो रखी है ऐसी। हाँ ओके, कुछ खाना है, कुछ खाना है दीदी? भूख नहीं लग रही आज तो, मुझे भी लग रही है। हाँ ना कुछ वैसे लेट टाइम जाता है ज़्यादा देर ना। मासी के साथ जाओगे वॉशरूम में? और इनको मिला आज ये वाला कोना। हेलो, ऊपर तो देखो, हम नीचे कर देंगे। आप पीछे पीछे मेरे पास मेरे साथ किचन में क्यों आए थे? सुबह हुआ है कोई ट्रीटमेंट तो कोई बात नहीं, कुछ तो करवाए, सब कुछ कर तो दिया। आज दीदी ने और इन्होंने ही बनाया था लंच, आज मैंने कुछ नहीं बनाया। ये हमारी चाय, और ये चाय पीने वाले, और ये बच्चा रस खा रहा है। ये मेरी चाय, ये देखो मैं इनका कप लेके आई थी नया। ये मेरा कप देखो। ये हरियाणा वाले नु कह सके है रख लो, रोमांटिक बंदा हो ना तो थोड़ा रोमांस दिखाए। और ये दीदी का फेवरेट कप, इसलिए मैंने दीदी को अलग से दिया है नया निकाल के। ये दीदी दीदी आते हैं जब दीदी को यही वाला कप मिलता है, दीदी को अच्छा लगता है, तो दीदी दीदी को मैं यही वाला देती हूँ। और मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट ये है मेरा कप। इधर देखो, चाय पीने के बाद क्या जैसे ग्लूकोन डी पीते एनर्जी आ गई गोलू है? आप में नहीं आई? तो यहाँ पे गोलू मेरे को हंसाने की कोशिश कर रही थी। तो चलिए इस व्लॉग का यही करती हूँ एंड। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी।